जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में सनातन शक्ति समागम और सामूहिक श्री हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हुआ। सर्व समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर गोपाल शर्मा मुख्य अतिथि रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी की चरण पादुका शालिग्राम और हस्तलिखित रामचरितमानस की प्रतिलिपि ने श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित किया। संत महंतों के सानिध्य में डॉक्टर गोपाल शर्मा ने विधानसभा चुनाव निर्विघ्न रूप से संपन्न होने की भगवान से कामना करते हुए लोगों से बिना किसी पक्षपात भय और प्रलोभन के मतदान करने का संकल्प करवाया। भगवान राम और हनुमान जी के दरबार के समक्ष श्रद्धालुओं ने सस्वर हनुमान चालीसा का पाठ किया। कार्यक्रम स्थल पर हुए हनुमान जी महाराज और वानर सेना का शक्ति संचलन ने लोगों में जोश भर दिया। कार्यक्रम स्थल पर भगवान श्री राम दरबार की अप्रतिम झांकी सजाई गई। हर और लहराती राम नाम की भगवा पताकाओं के बीच बॉलीवुड में अपनी गायकी का डंका बजाने वाले जयपुर के सुप्रसिद्ध गायक रविंद्र उपाध्याय के ओजस्वी भक्ति गीतों की प्रस्तुतियों ने युवाओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया। इससे पूर्व प्रख्यात भजन मंडली ने भक्ति की रसधार प्रभावित और लोग उनके साथ ताल से ताल मिलाते नजर आए। हनुमान जी महाराज के सैकड़ों दीपकों से महाआरती के बाद लोगों ने सालासर बालाजी का प्रसाद ग्रहण किया। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि मानसरोवर जो भगवान शिव शंकर के नाम से जुड़ा हुआ है, वहां भगवान शिव के अवतार हनुमान जी महाराज के सानिध्य में सनातन शक्ति समागम का आगमन हो रहा है। सनातन शक्ति समागम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे हो रहा है और हमारे बीच में उत्तर भारत की सबसे बड़ी पीठ गलता पीठाधीश्वर महाराज श्री 1008 अवधेशाचार्य जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके पास में श्री विष्णु कांति जी चतुर्वेदी, जो गोस्वामी तुलसीदास जी की शिष्य परंपरा के 11वीं पीढ़ी के आचार्य हैं, वो राज पूर्व चित्रकूट से पधारे हैं। अपने साथ में वे उस पवित्र रामचरितमानस की मूल प्रति के प्रतिलिपि स्वरूप रामचरितमानस के अंश अयोध्या कांड के जयपुर लेकर के पधारे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पैरों में पहनी हुई खड़ाऊं 500 वर्ष पहले, तुलसीदास जी की पहनी हुई खड़ाऊं इतिहास में पहली बार जयपुर पधारी है हमारे बीच में।